कैसे हम अपने इंस्टाग्राम के फीड के लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइस ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बॉर्डर लेआउट के बारे में। ठीक है, अगर आप बॉर्डर लेआउट के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, प्रैक्टिकली करके दिखाया था सिंगल पोस्ट कैसे बनाते हैं और पूरे फीड को कैसे डिज़ाइन करना है, पूरा प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके मैंने बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो ऊपर देखो आई बटन में शो हो गई होगी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको शेप लेआउट के बारे में बताऊंगा। शेप लेआउट, अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है या फिर कोई रिसेलिंग का बिजनेस या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो करते हो अगर कोई भी आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। और बात रही तीसरे की, तो तीसरा है चेकरबोर्ड लेआउट, चेकरबोर्ड लेआउट, और चौथा वर्टिकल लाइंस लेआउट। इसके बारे में मैं कल की वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल प्रैक्टिकली, इससे भी ज़्यादा डीप में कुछ न्यू चीज़ें भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो उसके लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कल शाम को 7 बजे वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के रखना ताकि मिस ना करो उस वीडियो को, और लाइक कर दो इस वीडियो को। और अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है canva.com में, मैं कैनवा में ही हूँ, तो मैं कैनवा के होम पर आ गया हूँ जैसे कि दिख रहा होगा। इसके बाद सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पोस्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये रहा इंस्टाग्राम का पोस्ट, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, आपको जाना है एलिमेंट में। ठीक है, ये एलिमेंट का आइकन दिख रहा होगा, एलिमेंट पर क्लिक करा मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फ्रेम। ठीक है, फ्रेम पर क्लिक करा मैंने। अब इसके बाद ये गोल वाला दिख रहा होगा, सर्कल वाला है ना, तो इस पर क्लिक करना है मुझे। ये आ गया यहाँ पर, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे पूरा बराबर करना है, मतलब कि बीच में करना है पूरा, इतना कि बिल्कुल फिट आ जाए। फिट साइज़ क्या होता है दिखाता हूँ मैं भी, ये है बिल्कुल फिट, मतलब इधर उधर से बिल्कुल भी गैप नहीं है और पूरा सही है। ठीक है, इसको क्या करना है, अब ये सिंगल पोस्ट बन गया हमारा। इसमें क्या करना है, इमेज डालना है आपको, कोई भी इमेज लेनी है आपको, जैसे कि खुद का कोई प्रोडक्ट है आपका, तो वहाँ से क्या करना पड़े, अपलोड वाले आइकन पर जाना है यहाँ पर। इसके बाद अपलोड मीडिया पर क्लिक करना है आपको, डिवाइस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद जो जहाँ भी आपका पिक है, फ़ोन में हो चाहे लैपटॉप पीसी किसी में भी कर रहे हो, तो यहाँ से जा सकते हो आप। अदरवाइज़ मैंने क्या करना है, मुझे यहीं से ले लेता हूँ पिक में। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली इस वाले को ले लेता हूँ, ये भी थोड़ा बाहर आ रहा है, मतलब ये गैप्स आ रहा है, तो इसको क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके यहाँ क्रॉप पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ऐसे ऐसा कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद डन कर दूंगा तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, सिंपल इसको करना, डाउनलोड कर लेना आपने। ठीक है, इसको सिंपली डाउनलोड कर लो, जो भी रीनेम करना है, जैसे टेस्टिंग लिख देता हूँ मैं, और मैं कर लूँगा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद क्या करना है आपको, अब मुझे क्या करना है, फीड को डिज़ाइन करना है। फीड को डिज़ाइन करने के लिए चलना है दोबारा से कैनवा में, कैनवा के होम पर आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं आपको भी खाली फीड है, ये मतलब खाली ब्लैंक टेम्पलेट है, इसमें क्या करना है मुझे, आपको मैं फीड को डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, मतलब कि कैसा आपका 4 दिनों बाद आपका फीड दिखने वाला, अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो तो हो पाएगा ये चीज़। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे सही दिखे, हल्का सा लाइक इतना बहुत है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये वाला मैंने टेम्पलेट ले लिया है, इसको लेने के बाद मुझे क्या करना है, जो भी आपने पिक्चर लिए, जो भी फर्स्ट पोस्ट बनाया आपने, उसको अपलोड करना। अपलोड जाने के, अपलोड पे करने के लिए अपलोड वाला आइकन पे क्लिक करोगे, अपलोड मीडिया पे जाओगे, तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा, एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर मुझे सर्च करना है फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर सर्च करूँगा मैं फ्रेम, तो ये वाला था, गोल वाला है ना, इसको मैंने लिया, और इसको मुझे करना है 12.2। यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आया था, आ जाता है, जो ये दिख रहा होगा 12.2, ये दिख रहा होगा 12.2 आ गया यहाँ पर, है ना। तो इसको क्या करना है मुझे अब, तो इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, क्योंकि फीड बना रहा हूँ मैं, सबसे पहला पोस्ट आपका ये होगा। ठीक है, यहाँ से ये पहला पोस्ट हो गया आपका। देखो वही वाली बात होती है, जब हम करते हैं कुछ भी चीज़, आप स्टार्ट करो, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, ऐसे ही है। आपको 4 दिन का प्लानिंग करना है यहाँ पे इस फीड को डिज़ाइन करने के लिए। सिंपली मैंने इसको करा सेकंड पोस्ट पे, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ पे जाके, और मैं यहीं पे इसको साइड कर दूँगा। इसके बाद मैं फिर इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर ऐसे कर दूँगा, ये बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये बता देता है यहाँ पर, इसको मैं फिर ऐसा करता हूँ, अभी रहने देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट डालना है। ठीक है, एक दिन का पोस्ट, एक दिन में आप 3 पोस्ट करो तो ये इस तरीके का हो जाएगा। अब मुझे क्या प्रोडक्ट लेना है यहाँ पर, है ना। तो प्रोडक्ट लेने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करूँगा प्रोडक्ट्स, तो ये रहा प्रोडक्ट्स का आ गया। अब जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये वाला था तो एक वाला इसमें डाल दूँगा मैं, इसको मैं क्रॉप पर क्लिक करके थोड़ा सा साइड कर दूँगा, डन। ठीक है, इसके बाद मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना, जैसे ये वाला ले लेता हूँ, इस बीच वाले में डाल दिया मैंने, ये भी थोड़ा साइड कर देते हैं हम, क्रॉप पे क्लिक करा,
ठीक है, बीच में आ गया अभी, ठीक है। और उसके बाद कोई तीसरा प्रोडक्ट लेते हैं, तीसरा प्रोडक्ट में जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो आपके ये अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये तीन तरीके के हो गए। पहला फीड बन गया आपका, ठीक है, ऐसी बनता है ना, तीन पोस्ट होते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे आगे का पोस्ट बनाना है। पहले दिन का बन गया, इसको मैंने डुप्लीकेट करा यहाँ से सेलेक्ट करके, इसके बाद मैं इसको यहाँ पर बनाऊँगा। तो ये बन गया मेरा सेकंड डे का, ठीक है, फर्स्ट डे था, सेकंड डे का बन गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट करूँगा। फिर मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँगा, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको करूँगा डुप्लीकेट और इसको करूँगा ऊपर। ये बराबर यहाँ पर दिखा देता सब कुछ ये। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है कि ये आपके चार दिनों का प्लानिंग हो गया। बेसिकली आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, आप पहला प्रोडक्ट का इमेज डालोगे, सेकंड डालोगे, थर्ड डालोगे, ऐसे करते करते 12 दिनों के अंदर, अगर एक पोस्ट एक दिन में डालते हो तो 12 दिनों में होगा, अगर 3 दिन में एक पोस्ट डालते हो तो 4 दिनों में आपका फीड जो है, आपके फीड पर 12 पोस्ट जाएंगे और सारे पोस्ट ऐसे सर्कल में होंगे जो कि बहुत अमेजिंग लगेगी देखने में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स को डाल सकते हो। मैंने लेकिन एक ही साइन लाइन वाइज वर्टिकल लाइन्स वाला क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये बन चुका है फीड हमारा बिल्कुल अट्रैक्टिव, अगर आप इसको ट्राई करोगे 4 दिनों तक, 8 दिनों तक, 12 दिनों तक, तो आपका फीड ना बिल्कुल अमेजिंग लगने लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, समझ में आ गया हो, तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप इसको ट्राई करने वाले हो तो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन है मेरे पास, बताता हूँ मैं भी आपके लिए। ये व्हाट्सअप ग्रुप है हसलर इन द हाउस, जिसमें कि आपके जैसे बहुत सारे भाई हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आकर आप पूछ सकते हो, ठीक है। ग्रुप बिल्कुल ओपन है, आप पर्सनली बात भी कर सकते हो, सब कुछ पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं भी शाम को डेली आता हूँ और जवाब देता हूँ यहाँ पर, 7:30-8 बजे करीब हम डेली आकर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आप इस ग्रुप में आकर के ज्वाइन हो सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ठीक है फिर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मन करता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इसका इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है @rohitville, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।